तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इसके पहले कॉन्ट्रोवर्स और ट्रायंगल कंप्लीट हो गया था, उसका क्वेश्चन वगैरह बना लेना। ठीक, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, उसका फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला कि अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, जैसे ये नेमिंग इसका कर दिए, ABC ट्रायंगल है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बेस पे, जिसको बोलते हैं हाइट ऐसे, और ये जो BC हो जाएगा ना, ये हो जाएगा बेस। तो एरिया और ट्रायंगल का एक बेसिक फार्मूला तो आ गया, BH/2, BH/2 क्या होता है? 20 × height/2। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है जिसको बोलते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला, दूसरा जो जो फार्मूला कि है बहुत जो, खराब रहता है। हाँ, जो हमको बहुत मजा आता है हीरोन्स फार्मूला। अब देखो हीरोन फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू रूट अंडर, मतलब अभी हीरोन फार्मूला का नाम लिखे हैं यार, इतना जल्दी क्यों नींद आने लगा? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो अनीस, एस क्या होता है, ये जो ट्रायंगल है ना ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का साइड लेंथ को ABC बोला जाता है। जैसे ए वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड को, डायग्राम फिर से बना ही लेते हैं। तो ए बी सी ये को ट्रायंगल है, ए के सामने वाला साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाला साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने साइड को स्मॉल सी बोला जाता है। और एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी मतलब पेरीमीटर, इसका हाफ है ना, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होगा, जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। और एरिया का फार्मूला हो गया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये क्वेश्चन पढ़ो अनीस, लिख लो यहाँ तक। हेलो अनीस, हाँ क्यों कुछ बोल क्यों नहीं रहा तुम इतना देर से? अभी आवाज है। अच्छा अरे गजब, वाह, ये क्या की है, आप कुछ नहीं बता एच सकते हैं, कल टू टू ये एरिया और ट्रायंगल का फार्मूला है। ठीक, देखो क्वेश्चन करवाते हो, क्वेश्चन रुकिए, नंबर छापने दीजिए पहले। नहीं छापा अभी तक। नहीं हाँ तो जब तुम देख देख के छाप लेता होगा तुरंत स्पीड में, जैसे क्लास में एक में था तुम तेज। अनीस, हाँ ये क्वेश्चन नंबर वन बनाना है।
126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 26? गलत है यार। अनीश आंसर बताना। कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच बेस इज, बेस कितना है 25 सेंटीमीटर। बेस कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है 10.8 सेंटीमीटर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर देंगे। हाँ वो लेना है। ये अगर ट्रायंगल है इसका बेस इसको मान रहे हैं 25 सेंटीमीटर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये वाला होगा, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट यही दिया हुआ है 10.8 सेंटीमीटर, तो एरिया निकल जाएगा। नहीं 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 135 होगा, 135। अच्छा तो एरिया इक्वल टू होगा हाफ इनटू बेस इनटू 135 हाइट। कैसे 135 आया अनीस? कैसे बताओ, क्या किया इसके बाद बोलो। वो इनटू कर दिया। कैसे इनटू? नीचे डिवाइड टू है, कैसे इनटू कर देगा? हाँ कॉपी दिखाओ, हाफ इनटू फाइव इनटू टेन पॉइंट, कॉपी दिखाओ, एक मिनट खोलने तो दीजिए कवर। कैलकुलेशन कहाँ पे किया दिखाना? दिख रहा? अरे तो कैलकुलेशन कहाँ किया, डायरेक्ट लिख दिया है तुम 135 सुन के। वो दूसरा पेज सही में किया है ना? नहीं। ठीक है। हाँ कैलकुलेटर है ना। और कैलकुलेटर से किया? ओ लेकिन कैलकुलेटर यूज नहीं करना होता, इसीलिए जो जो भी क्वेश्चन होगा ना उसको खुद से करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। ठीक है अनीस। हेलो बोल रहे हैं कैलकुलेटर यूज नहीं करो, ठीक खुद से कैलकुलेट करना। हाँ यही पता करना था, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जल्दी से क्वेश्चन लिखो। Whose sides are of length 52 centimeter, 56 centimeter and 60 centimeter respectively.
बन जाएगा आज। ठीक है पूरा क्या पूरा? रुकिए थोड़ा, अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अरे देखो ना, एक ट्रायंगल बनाओ। पेरिमीटर है 168 और एरिया है 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज नहीं किया? हाँ कैलकुलेटर का यूज नहीं किया? अरे नहीं नहीं वो सब कर। गुड। क्वेश्चन नंबर थ्री। और तुमको फार्मूला अगर मिल जाएगा ना अनिश तो बता देना। क्वेश्चन नंबर थ्री। फार्मूला मिला अनिश? नहीं मिला। नहीं मिला ना? बहुत अफसोस हो रहा है हमको तुमको पढ़ा के। तुम डायग्राम बनाए हैं? अच्छा नहीं बनाया होगा क्योंकि कैलकुलेटर का यूज नहीं ना होता डायग्राम भी बनाना में। मतलब डायग्राम इसलिए बनाना कि समझ में आएगा। जरूरी नहीं है ना। नहीं देखो, डायग्राम बनाना था ऐसे, और 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर उसका साइड लेंथ लिख देता है। और सबसे पहले क्या फाइंड करना है? देखो पेरीमीटर क्या होता है? हाँ, उसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, जबकि यहाँ पेरीमीटर है। तो बोलो तो कैसे फाइंड? कभी नहीं पढ़ा पेरीमीटर किसी चीज का? पेरीमीटर मतलब साइड का लेंथ का सम। पेरीमीटर मतलब साइड लेंथ जितना है ना सबका सम कर दो, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। ऐड कर देंगे। हाँ ऐड करना है। पेरीमीटर मतलब क्या हो गया? उसके किनारे किनारे वायर लगाने का लेंथ। अगर साइड साइड में वायर लगाएंगे तो कितना लेंथ का वायर होगा? मतलब ट्रायंगल का तीनों साइड लेंथ को ऐड कर देना, उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे देखो ऊपर में लिखे हैं सेमी पेरीमीटर, लिखे हैं ना सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो यही तो ए प्लस बी प्लस सी को ही तो बोलते हैं पेरीमीटर। उसका बाई टू कर दो तो एस मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला लगा देना। 168 हाँ तो सही हो गया, पेरीमीटर सही आ गया। अब एरिया फाइंड करो। तो पेरीमीटर इक्वल टू 160। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है अनिश, बार बार हम बोल रहे हैं। कैलकुलेटर नहीं यूज किया। गुड, वेरी गुड। चलो एरिया बता दो। बेस क्या 56 लेंगे? बेस इनटू हाइट से नहीं बनाना है, हीरोंस फार्मूला से बनाना है। जब भी कभी तीनों साइड लेंथ पता हो और एरिया पूछेगा तो हीरोंस फार्मूला का यूज करना। तो हीरोन फार्मूला अप्लाई करने के लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा ना एस। तो एस इक्वल टू आता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो एस इक्वल टू 84 आ गया। अब देखो 52 है ना, इसको ए मान लो, 56 को बी और 60 को सी। तो एस माइनस ए कितना आ जाएगा? एस माइनस ए 84 माइनस 52, ये हो गया 32। अच्छा s माइनस बी,
एस माइनस बी मतलब 84 माइनस 56, ये हो गया 18। एस माइनस सी हो गया 60 माइनस 84 माइनस 60, ये हो गया 24। अब एरिया का जो फार्मूला होता है इधर फार्मूला, उसमें पुट कर देना सारा। फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो रूट अंडर एस, एस मतलब 84 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए है 32, एस माइनस बी, एस माइनस बी है 18, एस माइनस सी, एस माइनस सी है 24। यहाँ तो समझ गया नहीं? हाँ। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, 84 है ना, इसको फैक्टराइज करना है 84 को, मतलब इसका मल्टीपल का टर्म में लिखना है। तो 84 को लिखते हैं, 84 है ना, तो ठीक है 4 इंटू 21, और 32 है ना, 32 को लिखेंगे 8 इंटू 4, और 18 है ना, 18 को लिखेंगे 9 इंटू 2, और 24 है 6 इंटू 4। ठीक है यहाँ तक? अब देखो 4 है ना, 4 रूट के बाहर निकले कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद ये 4 है ना, ये रूट के बाहर निकलेगा 2, यहाँ 9 है रूट के बाहर निकलेगा 3, फिर यहाँ पे 4 है रूट के बाहर निकलेगा 2। अब कितना बच गया देखो, 8 बच गया और ये 2 बच गया, 8 इंटू 2 16 होता है, वो रूट के बाहर निकलेगा 4, और क्या क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया 21 और 6। तो अभी इसको लिख देते हैं रूट अंडर 21 इंटू 6, यहाँ तक सही है? रूट के बाहर निकालने आता है ना, अगर दो को नंबर रहेगा एक बाहर निकलता है, ऐसे करके निकालता है। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और 3 इंटू 4 12 96। अब देखो रूट अंडर 21 है ना, इसको लिखो 3 इंटू 7, ठीक। इसके बाद क्या बचा है, 6 बचा है ना, अच्छा तो 84 था, 84 को लिख दिया, क्या 84 को लिख दिया 4 इंटू 2 6 का, हाँ 3 इंटू 2 होगा, लेकिन यहाँ आप सोचना है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, ताकि रूट क्योंकि हट नहीं रहा पूरा अच्छा से। और देखो 84 सही है, 84 यहाँ से आ गया, 8 और 4 है 84, एस माइनस ए 84 माइनस 52 32 सही है, एस माइनस बी, एस माइनस बी 18, अच्छा यहाँ पे 28 की जगह 18 लिखे, हाँ 28 होगा यहाँ पे, और यहाँ जब 28 होगा तो 18 था 9 इंटू 2 कर दिए थे ना, लेकिन 28 होगा तो 28 को लिखेंगे 14 इंटू 2 ना, ऐसे 14 इंटू 2, तो ये जो 3 आया था 9 के चलते ना, वो नहीं आएगा, और बाहर में हो जाएगा 32, बाहर में 32 होगा, और जो 21 है 3 इंटू 7, और बचा यहाँ पे 14 और 6, तो 6 को लिख दिया, 14 को लिखो 7 इंटू 2, ऐसे देखो ये दो को 2 एक तो बाहर आ जाएगा, दो को 3 है एक बाहर आ जाएगा, दो को 7 एक बाहर आ जाएगा, ठीक। तो 32 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, इसको इंटू कर दो, जितना आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। अनीस समझा थोड़ा बहुत? अब देखो रूट में आने के बाद वो कैलकुलेट कर ही सकता है, उसको फैक्टराइज करके बाहर निकालते जाना। 1345 कैलकुलेटर यूज नहीं करना था, ऐसी की है अपने से। दिखाओ कैलकुलेशन दिखाओ,
देखा जल्दी अभी कर रहा कैलकुलेशन। तो अभी क्यों कर रहा है, आंसर तो बता दिया ना। किसका कवर खोल रहा है? हाँ तो कवर खोलने टैब का। टैब का कवर क्यों खोल रहा है तुम? तो कवर ही खोल के ना दिखाएंगे बड़ा। ओहो दिखा क्या, दिखा कहाँ दिखाया तुम? दिखाए तो अरे तो काला काला आ रहा है, तुम वहां नीचे रख दिया होगा। नहीं, नहीं दिख रहा है? नेटवर्क नहीं होगा। ओ तो इतना जल्दी तुम आंसर बता दिया ना, इसलिए हम सोचे तुम कैलकुलेटर से फाइंड किया है। कैलकुलेटर से फाइंड नहीं करना, ठीक? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आदित्य आंसर बताओ। एरिया 864 और हाइट 28.8। वाह वेरी गुड अनिश, जल्दी बनाओ। आदित्य कॉपी दिखाना। एक मिनट। हल्ले अनिश चला गया, अजीब होता है। स्विच कैसे होता है? हाँ अरे तो वैसे क्यों घुमा दिया, वैसे सीधे पहले ठीक था, सीधा आ रहा था। हाँ वैसे, ये हाँ तो लेकिन दिख नहीं रहा, सामने ले जाएगा तब ना। सामने लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, अरे तो थोड़ा मूव करना, थोड़ा पेजी पूरा नहीं दिखना, घसकाते रहना। लाइट ऑन कर दीजिए पहले। अंधेरा में कैसे पड़ता है तुम लोग? हाँ ठीक सही है। हेलो अनीस, हाँ जल्दी बनाओ क्वेश्चन नंबर 3। चला गया वो। आ जाएगा, चिंता मत करिए। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। Each of whose equal sides is 13 centimeter. नॉर्मल फॉर्मूलास पे दिक्कत है क्या आपको, बेस इनटू हाइट वाला से? And whose base is, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 24 centimeter. वो वाला सम देते नहीं है हाइट वाला। हाँ तो क्वेश्चन यही है, तुमको जैसे बनाना बनाओ, हम नहीं बोल रहे उसी से बनाओ। अगर तुम बना सकता है उसको बिना यूज करिए तो बनाओ, नहीं तो उसी का यूज करो। बेसिक पहले सम दे दीजिए। चलो हम एक दो क्वेश्चन करवा के बोलेंगे कि तुम जो स्टडी मटेरियल दिए हैं उससे क्वेश्चन बनाना, डाउट पूछना वो तो करेगा नहीं,
इसलिए सारा क्वेश्चन हमें ही ना करवाना होगा। ये भी सही है। अनीस, हाँ क्वेश्चन नंबर हेलो। फोर। नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर फोर, अगर नहीं बनाएगा तो फिर क्वेश्चन नंबर फाइव देंगे। इसी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन छूटते जाएगा। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। तुमको बोले थे टावर लगवाने के लिए, क्यों नहीं लगवाया? टावर बगल में। हाँ तो तार जोड़ के लगा लो, तार उसको जोड़ के ला के मोबाइल में लगा दो। ब्रॉडबैंड लेने बोल दीजिए, इतना मेहनत क्या लग करवाने टावर लगवाने। ब्रॉडबैंड ले ले। अरे ब्रॉडबैंड के लिए फिर बोलेगा पैसा नहीं है। चोरी करके लाते हैं। चोरी करके लाता है? वाह, मैं टावर चोरी कर नहीं ना हुआ वैसे भी। जल्दी बनाओ ना सीधा इसको। चलेगा नहीं मेरा वही गाड़ी पे। अरे तो उसका थोड़ा मत सोचो, कम से कम ऊपर क्लास अच्छा करो। टीवी नंबर को। हाँ ठीक, कितना आंसर आया नहीं इस क्वेश्चन नंबर फोर का? थ्री हम 3 बना रहे। अच्छा मत बनाओ, फोर बनाओ। एक
60 है। क्या 60 है? एरिया, एरिया 60 आ रहा है। ना कोई दिक्कत नहीं। अनीश देखो क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। एक मिनट निकल गया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसका बेस है 24, जो इक्वल साइड है वो 13 13 है। तो जो इक्वल साइड 13 13 ये 24 हो गया। इसको मान लो ए इक्वल टू, इसको बी इक्वल टू, इसको सी इक्वल टू। तो एस इक्वल टू फाइंड करते हैं। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब 13 प्लस 13 प्लस 24 बाई टू। तो 13 और 13 26 और 24 50, 50 बाई टू मतलब 25। और s माइनस a हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ सही है, आंसर इसका आ जाएगा, जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं तुमको। क्वेश्चन नंबर 3 में द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। रेशियो है 3:4:5। जब रेशियो दिया होता है तो हम लोग साइड लेंथ क्या अज्यूम करेंगे? साइड लेंथ 3x, 4x और 5x ना, ये समझ में आया कैसे ना? जब रेशियो होता है ऐसे साइड लेंथ अज्यूम करते हैं। और देखो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 144। और पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड लेंथ का सम। इसीलिए यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 144 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 144। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 12। अच्छा जब x का वैल्यू 12 आया तो साइड लेंथ क्या क्या हो जाएगा? 3x, 4x और 5x था ना। तो 3x मतलब 3 × 12 36 सेंटीमीटर, 4 × 12 48 सेंटीमीटर, 5 × 12 60 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये साइड लेंथ मिल गया। आप देखो एरिया फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है? हाँ फाइंड द एरिया एंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। पहले एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी मतलब पेरीमीटर जो दे दिया है 144 बाई टू। ये तो सेमी पेरीमीटर हो गया ना। अरे तो पेरीमीटर बाई टू ना कर देंगे तब ना सेमी पेरीमीटर होता है। वही तो कर दिए 144 बाई टू। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। ठीक अब देखो एरिया लिखते हैं। एरिया इक्वल टू होगा सेमी पेरीमीटर एस और एस माइनस ए। तो 72 माइनस 36 36 बचा इंटू एस माइनस बी। 72 माइनस 48 24 बचा और 72 माइनस 60 ये बचा 12। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना एरिया आ जाएगा। ठीक लिखो। एरिया आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लेगा तो बोलना। सेकंड नंबर बता देंगे। इसमें दो क्वेश्चन था ना। लिख लिया। हाँ। अब देखो सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना है? द हाइट कोरस्पोंडिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। हाँ मतलब ट्रायंगल बनाएंगे, डायग्राम बनाना है तो समझ में अच्छा से आएगा। इसमें साइड लेंथ क्या क्या दिया हुआ है? देखो साइड लेंथ क्या क्या आ गया था
36, 48 और 60, तो 36, 48 और यहाँ लिख देंगे 60, तो सबसे बड़ा साइड कौन सा है, 60 वाला है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये होगा, तो 60 को मान लो बेस, ऐसा हाइट ये वाला हो जाएगा। अब देखो एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, बेस 60 है और एरिया दिया हुआ है 864, ठीक। लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करना था, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो लॉन्गेस्ट साइड को बेस मान लो और ये हाइट को h मान लो, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया होता है ना, तो यहाँ से h फाइंड कर दो, तो h इक्वल टू हो जाएगा 864 और ये 2 डिवाइड में है, 2 इंटू में जाएगा, समझ रहा है, 60 इंटू में है, 60 डिवाइड में जाएगा, ऐसे अब कैलकुलेट कर दो इसको, जैसे 2 से कट कर देंगे 60 को, 30 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे, 2 से 4, 3, 2 आ जाएगा, ऐसे तो हो गया 432/15, और 3 से कटेगा, 3, 5 जो 15, 3, 1, 3, 3, 4 जो 12, 3, 4 जो 12, ऐसे तो 144/5, अब 144 को 5 से डिवाइड दे दो, 28.8 आया। तुम कैलकुलेटर्स ने किया है, तुमको बोला था ना कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, अभी किए, क्यों नहीं सुनता तू मेरा बात, तो 28.8 सेंटीमीटर आ गया हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। कैलकुलेटर का आदत लग जाएगा ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, आधे दूर बना के छोड़ देगा, ये नहीं करो, ठीक। तो हम जो बोलते हैं सुनो मेरा बात, तुम उस समय भी ठीक बोला था लेकिन नहीं सुना, तो अभी फिर ठीक बोल रहा था, कैसे विश्वास कर ले कि सुनेगा तुम मेरा बात। अब कॉल जाएगा घर में, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ एन isosceles triangle is 24 centimeter and its area is 192 centimeter square. Find its perimeter. तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, सो इजी क्वेश्चन। Thank you.
आदित्य आंसर बोलो। नहीं पता। नहीं पता तुम ऐसे करेगा तो अनिश क्या करेगा? इसको हिरन्स फॉर्मूला से बनाना है। हिरन्स फॉर्मूला रिवर हाई या ना बोल दीजिए। एरिया फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला यूज होता है। इसका रिवर्स भी तो हो सकता है। हाँ तो रिवर्स नहीं तो बहुत सारा देखिए नहीं रिवर्स कैसे करेंगे। हाँ 64 है। हाँ 64 इज द राइट आंसर। देखा कॉपी देखा कॉपी। हाँ नेट में लिख के किया क्या? मेरे ने वही हम हाफ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू 192 कर दिए। फिर हाइट इज इक्वल टू 2 इनटू 192 बाय। अरे चुप रहो ना, कॉपी दिखाओ। अभी हम पकड़ लेंगे खुद से बनाए कि नेट में सर्च करके छापा है। देखा अच्छे से राइट एंगल वाले से बनाना है हाइपोटेन्यूस लेके। देखो अनीस सर से अच्छा छापा है। अनीस सर हाँ खुद से बनाया है। अरे आप ही जो बोले थे क्या वही हाफ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू 190 ये मतलब कितना आएगा? मतलब ये 192 जैसे कि स्क्वायर में रहे तो रह जाएगा उधर। हाँ तो हाफ इनटू इनटू हाइट इक्वल टू 192। अब सर जी बोलो बोलो क्या हाइपोटेनियस लेके बनाना है राइट एंगल बीच में से लेके। हाँ, फिर उसका हाइपोटेनियस लेके। हाँ हाँ अनीस हाँ कैसे बनाया समझाओ। H इक्वल टू 2 इनटू 192 डिवाइडेड बाय 24 करती है। अच्छा ठीक है यहाँ तक सही है, उसके बाद बोलो। फिर इक्वल टू 16 आया। तुम सच से बता दो अभी भी कैसे तुम बनाया है। वही तो बोल रहे हैं तो 16 कैसे लाए बोलो। H इक्वल टू 2 इनटू 192 डिवाइडेड बाय 24। हाँ ठीक उसके बाद इक्वल टू 16 हो गया। कैसे 16 लाया? वही तो बोल रहे हैं। अरे तो कैसे काटा, कैसे काटा बताओ। वो तुम काटा होगा ना इसको, ये कैलकुलेटर यूज किया? नहीं डिवाइड किए। कैसे काटा बताओ। 24 ये डिवाइडेड बाय 384। हाँ ठीक 384 डिवाइड बाय 24। उसके बाद क्या किया? 144 है। कितना से क्या नहीं मतलब 144 ही है, 16 आया। अरे तो क्या किया? 24 डिवाइडेड बाय 1 कितना से काटा इसको? 384 कटनी के डिवाइड किए कटनी की। 384 को 24 से डिवाइड दिया। हाँ कितना बार में लगाएंगे? मतलब अरे तो कैसे लगाया, कितना बार में डिवाइड किया ना तुम? हाँ कितना बार में लगाया देख के बोलो ना, स्पीड बोलेगा। नहीं 24 डिवाइडेड बाय ये 384 है ना, तो हाँ? 38 को 1 से किया तो 24 इसको इक्वल टू 14 आया। ठीक ऊपर का 4 आया 144 हुआ। हाँ 140 24 का टेबल में 16 आता है। 16 से आता है? हाँ गलत बताया मतलब। हाँ मतलब 6 में 6 में ऐसे किया है ना, ये सारा तुम्हारे कॉपी में होगा ना किया हुआ सब? दिखा दे। नहीं नहीं हम देखेंगे, देख लेंगे बाद में, अभी नहीं।
अभी हमको अच्छा से दिखता नहीं है, छोटा रहता है ना। हाँ फोन आ रहा है, एक मिनट। काट दो उसको, फोन काटो। मम्मी क्या? हाँ तुम फोन मत उठाओ ना, क्लास कर रहा है ना अभी, तुम क्लास में फोन नहीं उठाना अलाउ होता है। ठीक, क्लास में फोन उठाना अलाउ नहीं होता है, 3-4 मिनट में खत्म हो ही जाएगा, वापस कॉल कर देना। देखो अनीस, उसके बाद क्या किया, हाँ उसके बाद क्या किया, एच आ गया। लिए हाँ हाँ 16 आ गया, इसके बाद क्या किया, चला गया लड़का, उसको फोन उठाने कौन बोलता है, 3-4 मिनट क्लास और है। फोर्टीन भी तोड़ सकता है, क्या 14? कंप्यूटर को चार्जिंग भी तोड़ सकता है। अरे तो 3-4 मिनट का बात है, फिर भी सर वो जो पैंटी गैस वो ऑन करके चल गई हो। नहीं पूछना है तुमको, आपको 2 मिनट क्लास के सेकंड बोलो आंसर बोलो। पेरिमीटर, तो चले क्या हम भी आंसर बताएगा तब ना जाएगा। आंसर ही बताए, समझ गए ही है कैसे करना है, छोड़ी है नहीं बना के जाओ। ओके तो 2 मिनट। हेलो अनीस, हेलो अनीस, हेलो। हाँ बोलो, इसके बाद क्या करें, एच आ गया। क्या हाँ फिर 24 को 2 से डिवाइड कर दिए क्यों तब ये 12 आएगा, फिर करेंगे, उसको क्यों इक्वल साइड को डिवाइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर साइड निकालने के लिए। ये स्क्वायर साइड निकालने के लिए। कौन सा स्क्वायर साइड, मैं इक्वल साइड ना, इक्वल साइड तो ए बी और ए सी इक्वल है, इक्वल साइड तो ए बी और ए सी है। साइड हाँ इक्वल साइड को करेंगे ना स्क्वायर, तो और तो इक्वल साइड तो ए बी और ए सी है, तो 24 को क्यों डिवाइड करेंगे 2 से, अभी बता दो तुम कैसे बनाया, बच जाएगा तुम, हम बता देंगे तुमको, समझा देंगे। अरे हम अपने बनाए सेम। हाँ तो कैसे, क्यों डिवाइड किया 2 से बताओ, 24 को, ताकि इक्वल साइड हो जाए और 12 का अरे स्क्वायर मतलब कि इक्वल वैसे। साइड तो ए बी और ए सी है, इक्वल साइड तो ए बी और ए हाँ सी है ना, और 24 तो बेस है बी हाँ सी नीचे वाला, तो फिर 24 को 2 से डिवाइड क्यों तो करेंगे। पेरिमीटर 64 64 सही है,16 हम चलते हैं, नहीं स्क्वायर रुको, करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे। अरे रुको ना पहले अनीस, तुम ये बता दो 24 को 2 से डिवाइड क्यों किया। इक्वल साइड निकालने के लिए इक्वल उसका साइड तो ए स्क्वायर बी और ए मतलब। सी है, इक्वल साइड तो ए बी और ए सी है, और 24 तो नीचे बेस में है, तो फिर तो 16 को स्क्वायर किए ना, तो फिर उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 16 का 12 स्क्वायर को क्यों किया, और इक्वल 12, साइड का स्क्वायर निकाल। अरे यार इक्वल साइड तो ए बी और ए सी है ना, तुम 16 का स्क्वायर क्यों किया, और 12 कहाँ से लाया तुम, क्यों 12 लिया, अभी मौका है बता दो सच सच अरे नहीं, बोलो, 24 को 2 से हम डिवाइड किए, क्यों डिवाइड किया ये बता दो ना। नहीं पता। तो देखा, मतलब खुद से नहीं ना बनाया तुम, अपने माने 2 से कब बच्चा डिवाइड नहीं करेगा, क्वेश्चन बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसको सॉल्यूशन अरे मिलेगा, नहीं तो बोलो सॉल्यूशन कहाँ देखा, बोलो मेरे सॉल्यूशन कहाँ। को शायद परसों मैथ का एग्जाम था, हाँ परसों फिर, मैथ का एग्जाम था तो उसमें ही बनाया था, उसमें से ही थोड़ा थोड़ा याद ओ देखा देखा क्वेश्चन था। तो यही बोल दो ना कि उसी में याद था,
24 को 12 किया था और 16 का स्क्वायर कर दिया है, क्यों किया कुछ नहीं पता, स्कूल में पढ़ाया हुआ ना ये बस वाला? ये। हाँ स्कूल में वो भी ऐसा यही वाला क्वेश्चन ना शायद। शायद, मतलब यही ना क्वेश्चन हुआ तब ना, तुम 24 को 12 कर अपने मन से, फिर 16 का स्क्वायर कर अपने मन से, 12 का स्क्वायर कर अपने मन से, जब तुमको रीजन नहीं पता है इसलिए तुमसे पूछ रहे थे उस समय से, सही सही बता दो कैसे बनाया, तो तुम देख के बनाया स्कूल वाला, यही ना? देख के बनाया था। हाँ, तो याद जब करता है तो समझ समझ के याद करो, ठीक, बिना समझे याद करता है, ठीक है? तो हमको रीजन बताना कि 12 क्यों किया और 16 के स्क्वायर क्यों किया, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में सोच के रखना, चलो बाय बाय, 3 मिनट ज्यादा क्लास ले ली, थैंक यू, बोल देना बाद में।